गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मानसी को मिलने वाला है बहुत ही स्पेशल और बहुत बड़ा एक सरप्राइज। तो जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे नानी हमारे साथ थी, नानू जनकपुरी में ही अकेले थे, तो मानसी को अपने पापा से मिले हुए मोर देन 2 मंथ्स हो रखे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि नानू अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। लॉकडाउन हटने के बाद भी ना हम लोग जा पाए ना वो लोग आ पाए हैं। और हमारा प्लान बन रहा था कि फादर्स डे के दिन, विच इज़ नेक्स्ट संडे, हम लोग कुछ प्लान करेंगे सरप्राइज विजिट का, बट हमें पता चला है कि वो उस दिन भी बिजी हैं। संडे इज हिज वर्किंग डे, मंडे इज ऑफ। सो टुडे बीइंग मंडे, उन्होंने मुझे कल कॉल किया और बोला कि भाई बेटा हम तो आ रहे हैं कल आप लोगों के साथ मिलने, और लेट्स कीप इट अ सरप्राइज। और मानसी को बहुत बड़ा एक सरप्राइज हैप्पीनेस हम लोग देते हैं। तो अभी वो लोग ऑलमोस्ट आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे मैं उनको छुपा दूंगा, और जैसे ही कबीर की क्लास खत्म होगी वी विल ब्रेक द सरप्राइज टू हर। हेलो, वेलकम। तो गाइज नानू नानी आ चुके हैं, मैं सरप्राइज के लिए रेडी। गाइज यहीं पे बैठ जाओ, यहाँ पे रख दो सारा सामान। मानसी को आइडिया नहीं है सरप्राइज है उसके लिए। लिसन, somebody is outside, somebody has come, go check, 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 check. नानू की गोदी में सरप्राइज होगा ना? सरप्राइज कैसे हुआ भाई? सरप्राइज। हाँ, कॉल आ गया था कल ही। कब, कैसे आए नानू? कंपस, कंपस कहाँ है नानी? कंपस गर्मी बहुत बुरा हाल है। मास्क उतार दो, आप सेफ हो, हमें आप पे यकीन है, और वैक्सीन लग चुकी है। क्या क्या चीजें लाए नानी? ओ भाई साहब, हमारा राशन भी ले आया है। स्टैम्प भी मैंने कबू की बनने दे दी है। अच्छा जी, स्टैम्प भी दे दिया। अगले बार बन के आ जाएंगे। हाँ, बस ठंडा पानी तो पी के कल मेरा गला खराब हो गया। तो गाइज मेरी योगा क्लास खत्म हो गई है, अब मैं जा रही हूँ पापा को सरप्राइज देने। जैसे उन्होंने आज यहाँ आके मुझे सरप्राइज दिया, वैसे ही मैं उन्हें फादर्स डे गिफ्ट आज ही दे दूंगी, क्योंकि अगले संडे हम मिल नहीं पाएंगे। तो मेरे पास है उनके लिए बॉम्बे शेविंग कंपनी का प्रीमियम शेविंग किट। इसको अनबॉक्स हम पापा के साथ ही करेंगे, तो आइए चल के अब उन्हें सरप्राइज देते हैं। पापा। हाँ जी बेटा। मैं कह रहा था शेव कर लो। बेटा मैं तो शेव का कोई सामान लेके ही नहीं आया। हैप्पी फादर्स डे। ओ मतलब थोड़ा अर्ली है मुझे। थैंक यू वेरी मच। बट अरे वाह, व्हाट इज दिस? बॉम्बे शेविंग कंपनी? यस। अरे वाह, ओहो वाओ। सो ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का प्रीमियम शेविंग किट है। माय गॉड, माने मैं तो यूज एंड थ्रो वाला रेजर यूज करता हूँ। आई नो। जल्दी 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 जल्दी। वाओ, दिस इज अमेजिंग, वेरी नाइस। ओपन दिस। ओके ओके, इसको मैं, अरे ये क्या? ओ माय गॉड, अच्छा। ओहो, शेविंग क्रीम। यस, वेरी गुड। प्री शेव स्क्रब, ये शेव से पहले लगाते हैं। ओके ओके, पोस्ट शेव बाम। What is this balm with no zero alcohol, no dryness? Yeah. वो aftershave जो लगाता हूँ उससे बहुत dryness होती है, इसमें कोई dryness नहीं है। Not anymore. Okay, use करके देखूँगा। So ये आपका पूरा end to end अब shaving kit हो गया। Very nice. What's this? अरे nice gift मानसी। Bristles कितने soft हैं इसके? Aggressive clamp. Okay. तो और क्लोज शेव चाहिए। हाँ, क्लोज जिसकी हार्ड शेव वो उसके लिए ये। आहा, दीज आर एक्स्ट्रा ब्लेड्स, शेविंग ब्लेड्स, वेरी गुड।
कब कर लो अब मेरा मन हो गया कि मैं शेव कर ही लूं। अभी करता हूँ ठीक है। कबीर की भी मुच्छी आ रही है, कब को शेव कर दो, कब बिग बॉय हो गया। अब नानू का फेस ग्लो कर रहा है ना। आइए आइए, यू कैन टच इट। ओह माय गॉड, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। पूरा किया ना? पूरा किया, पूरा सारी हर चीज मैंने यूज की, बहुत बेटर लग रहा है। लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मोस्ट वेलकम। गाइज, हमारा फादर्स डे गिफ्ट हो गया है, सुपर सक्सेसफुल। अगर आप भी अपने पापा के लिए लेना चाहते हो या फिर अपने हस्बैंड के लिए, भाई के लिए लेना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके इसे चेकआउट कर लेना। इट्स एक्चुअली अ प्रीमियम प्रोडक्ट, पापा इज लुकिंग वेरी नाइस। वेरी नाइस, बस ऐसे करते रहो। मम्मा आधे घंटे की नैप लेगी, उठाना नहीं, ठीक है? तो मानसी को यहाँ पे जबरदस्त पैम्परिंग मिलते हुए कबीर से ओके, मुझे बात नहीं करनी है और मैं थोड़ी देर मार्केट जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। और कबीर विल यू प्रोटेक्ट एवरीबॉडी बाबा? ओके ओके बाय, सी यू। आप लोगों से मैं मिलता हूँ बाद में। Awesome! 68. Kabu, mama ka to saans chal gaya tha. Very good. So this is my picture. My turn. You guys have to guess who the person is. Everybody. Who is this person? Mama? No, it's not mama, of course. That's the witch from the Army of the Dead. No. I know. Blair. No. It's a jungle. There is fire on one side and there is a tiger. And there is this person. Aray, it has to be something like Cinderella or So there is this person. It's a movie. How is this a movie? There is a jungle and a tiger. The tiger's name is Sher Khan. Oh. What is this girl doing in? It's not a Mowgli. Yes. But what is this girl? It's not a girl. Is she wearing? Mowgli is wearing the patte. But it's a girl you've drawn. No way. Okay. Kabir has to guess. Who is this person? Who is he? A fan. Oh. Why is it not? कबीर, यू हैव टू शो दैट इज नॉट फेयर। मुझे दिखाओ, बहुत टफ वन बनाने वाला है कबीर। अब टफ मत बनाना कबीर, आई एम इन योर टीम ओनली। व्हाई यू आर टेलिंग डैडी? बिकॉज़ इट्स सन एंड डैड टीम। ओह माय गॉड कबीर, व्हाट हैव यू मेड? यू गाइस हैव टू गेस। इज दिस अ स्टोरी और व्हाट? इट्स अ मूवी, राइट कबीर? अ बॉय एंड अ होम एंड सम ट्रीज, आई थिंक इट इज माउंटेन्स। होम अलोन, करेक्ट। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब ओके माय सर, ओके माय डैडी इज द बेस्ट दैट एवर इज। माय डैडी इज द बेस्ट एंड आई लव हिम जस्ट बिकॉज ही थ्रोज मी अप इन द एयर, ही मेक्स मी लाफ सो मच, tells me good stories and I love him so much. Oh my, how much do you give to mama? 5 star. And to Nanu? Yeah. I to Nanu? Nanu I gave 0 star. Oh my Kabir, point out at the person who smells really bad.
you. Acha, point out at the person who makes the best food. Point out at the person who makes the yuckiest food. Kabu, chalo ek class bata do, dada pooch rahe hain. Point out at the person who sings so bad that our ears pain. Saurav. Hello. Hi, what's up? So, mutton is almost ready. Wow. और ये प्रेशर कुकर वाला है क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहे थे बट मैंने लास्ट में थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया है और इसको बस हल्का सा गर्म करके छोड़ रहा हूँ मैं तो तुम्हारे पापा आते हैं तो ऑब्वियसली मेरा काम डबल हो जाता है उनको मटन खाना अच्छा लगता है तो फिर एंड यू आर सो स्वीट दैट तुम उनके लिए स्पेशली बनाते भी हो उनके लिए मैं कम बनाता हूँ अपने लिए ज्यादा बनाता हूँ एक तीर से दो निशाने हाउ मच टाइम बन चुका है ओके गुड आर यू जेलस कि हमने तुम्हें अभी तक कोई फादर्स डे गिफ्ट नहीं दिया नहीं नॉट एट ऑल क्योंकि अभी फादर्स डे आने में टाइम है तुमने मुझे फादर बना दिया इससे ज्यादा बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है यार फादर्स डे बिना फादर बने कैसे हो सकता है सो स्वीट हाउ स्वीट थैंक यू सो गाइस हमारा तो मस्ती भरा दिन एंड होने को आया है अब हम सौरभ के हाथ का मटन खाएंगे सौरभ के हाथ का मटन एक ट्रीट की तरह है और स्पेशल ओकेजन पे ही बनता है तो आज का दिन टर्न्ड आउट टू बी अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज डैड ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया मैं 2 महीने से उनको नहीं मिली थी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी बट टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और आप जो पर्सनली बैठते हो प्रेजेंस है आपके पेरेंट्स का आपके साथ तब जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है आपको एकदम एनर्जाइज कर देती है और पेरेंट्स यही करते हैं मतलब आप व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू गुड टाइम्स बैड टाइम्स वो आके आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं तो ऐसा ही मेरे डैड के साथ होता है कम टाइम था आज का ही दिन मिला क्योंकि कल से उनका ऑफिस शुरू हो जाएगा बट एक एक मिनट हमने मतलब अच्छे से इंजॉय किया साथ में और ये जो गिफ्ट मैंने पापा को दिया गाइज इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस कबीर भी जो बोल रहा है कि नानू की स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है उसने आज इतनी किसेस करी हैं बिकॉज जो आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हो देन इट मेक्स ऑल द डिफरेंस एंड ही इज वेरी हैप्पी तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट आप अगर अपने फादर को विजिट कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज बाय इट अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू कैन ऑर्डर इट ऑन देयर एड्रेस एंड गिव देम अ सरप्राइज एंड दे really happy. I'm thinking to get it for Saurabh also because papa ka dekh ke Saurabh bhi kafi excited ho gaya tha. But Saurabh ke father's day occasion ke liye maine kuch aur plan kiya hua hai. Wo video aapko agle hafte milega. Aur ek baat bolna chahungi ki father's day kafi logo ke liye kafi mushkil bhi hoga because bahut sare log aise hain jinhone because of covid they have lost their father and is father's day ye realize karna ki mere dad ab mere sath nahi hai is a very difficult thing to do. Main imagine bhi nahi kar sakti. And jitna bhi hum bol lein ki we can feel their pain but we cannot and a father's loss is irreplaceable and irreparable but just stay strong guys on this day aap sari achhi memories unki yaad karo sare achhe times yaad karo and just believe in your heart ki kahin na kahin they are present with you they are watching you and they are always blessing you and they would not like to see you sad so yeah on that note let's end the video stay healthy stay happy and stay positive everyone